हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड एक बैक्टीरिया की बीमारी है जो सेल्मोनेला टाइफोस बैक्टीरिया से होती है। इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुआ कोई भी खाना हम खाते हैं या पानी पीते हैं उससे टाइफाइड की बीमारी हो जाती है। टाइफाइड में हमें बुखार, भूख ना लगना, वीकनेस, लूज मोशन, सर दर्द, पेट में दर्द रहता है। जब भी हमें टाइफाइड होता है तो ये बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन पैदा करता है और सूजन बढ़ने के कारण अल्सर हो जाते हैं, जिससे हमें खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। पहले हम बात करेंगे हमें क्या क्या खाना चाहिए। हम जो भी खाएं हल्का और डाइजेस्टिबल होना चाहिए। टाइफाइड पेशेंट को शुरुआती दिनों में हमेशा मील को छोटे छोटे भागों में और बार बार कुछ समय के बाद लेना है। जैसे जैसे पेशेंट इम्प्रूव करे, उसके मील के पोर्शन को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। शुरू में हमें लिक्विड डाइट लेनी है, जैसे कि वेजिटेबल सूप, फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, ORS का गोल, दाल वाटर आदि। अगर आपका बुखार चला जाए तो आप लिक्विड डाइट से सेमी लिक्विड डाइट लेना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पानी से भरे फ्रूट्स ले सकते हैं, अंगूर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और जब आपकी भूख बढ़ने लगे, आप सेमी लिक्विड डाइट से सेमी सॉलिड डाइट की तरफ जा सकते हैं। सेमी सॉलिड डाइट में आप चावल, बॉइल्ड पोटैटो का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने कुछ दिनों बाद रिकवर करना शुरू कर दिया है तो आप सेमी सॉलिड डाइट से नॉर्मल डाइट लेना शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल डाइट में आप चावल के साथ दाल ले सकते हैं, चीज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि चीज़ में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। हमें हमेशा हाई कैलोरी फूड खाना चाहिए। हाई कैलोरी फूड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हमें बुखार होता है, हमारी बॉडी को इस बीमारी से लड़ना पड़ता है। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें हाई कैलोरीज चाहिए जो हमें खाने से मिलती है। हम अपनी डाइट में दूध, चीज़ और दालें ले सकते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। हमें अपने खाने में सूजी, साबूदाना, हनी, उपमा, पोहा, दलिया और खिचड़ी के साथ वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है और कम से कम 60% टोटल एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। हमें दिन में 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीना है और पानी को हमेशा बॉईल कर ही पिए। आप गर्म पानी में 1 चम्मच हनी मिलाकर भी पी सकते हैं। हम ग्लूकोज वाटर, कोकोनट वाटर, वेजिटेबल सूप और फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लेना है क्योंकि ये हमारी बॉडी के वेस्ट को इलिमिनेट करने में मदद करेगा और वाटर बैलेंस को मेंटेन करेगा। हमें अपनी डाइट में गाजर, शलगम, आलू, धुली हुई दालें, कस्टर्ड, दलिये का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इनमें लो इनसॉल्युबल फाइबर होता है। चलिए अब हम बात करेंगे हमें क्या क्या नहीं खाना है। अगर हमें लूज मोशन लगे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का फैट नहीं लेना है, चाहे वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट क्यों ना हो। हमें इम्प्रॉपरली कुक्ड होल ग्रेन सीरियल्स और होल ग्रेन पल्सेस को अवॉइड करना है। हमें हरे पत्ते वाली सब्जियों को भी अवॉइड करना है क्योंकि इनमें हाई फाइबर होता है। हाई फाइबर जब स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता है वो खिंचाव पैदा करता है। हमें कच्ची सब्जियों को भी अवॉइड करना है। हमें फ्राइड और जंक फूड को भी अवॉइड करना है। केमिकल इरिटेंट्स जैसे कि स्पाइसेस, अचार, पापड़, केचप, विनेगर, सॉसेस, चटनी, चिल्ली पाउडर को भी अवॉइड करना है। हमें एसिडिटी बनाने वाली चीज़ें भी नहीं खानी, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, पाइनएप्पल, कटहल, चने की दाल, बेसन या बेसन से बनी हुई चीज़ें। हमें सैलेड बिल्कुल भी नहीं खाना है,
जैसे कि प्याज, मूली आदि। हमें खाने में लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं करना। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आगे भी लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।